राजस्थान पाली रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा की नशे के सौदागरों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्यवाही। अवैध तरीके से खेत में उगाए 6,585 अफीम के पौधे सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह के निर्देश से हुई कार्यवाही। रायपुर थाना अधिकारी मनोज राणा में जाप्ता द्वारा रायपुर थाना क्षेत्र के जूझा गांव के तालाब के किनारे अवैध तरीके से खेत में उगाए सरसों की खेती के पास 6,585 अफीम के पौधे की बरामद। रायपुर पुलिस की लगातार सफल कार्रवाई से नशे के सौदागरों में मचा हड़कंप। अवैध मादक नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही। पुलिस ने जूझा गांव के एक आरोपी आसुराम पुत्र चौथा राम बाबरी उम्र 70 को किया गिरफ्तार। जानकारी सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी है पुलिस। गिरफ्तार आरोपी की अफीम तस्करों से हो सकती है सांठगांठ। हाँ सर, श्रीमान एसपी साहब जिला पुलिस पाली कलराम जी रावत के आदेश अनुसार नशा के सौदागरों के खिलाफ चला रहे अभियान के तहत हेड एस साहब तेजपाल सिंह जी, सीओ साहब सुरेश जी, आरपीएस प्रोफेशनल प्रदीप मिल के निर्देश के तहत आज मुझे सूचना मिली कि झूठा गांव सड़क में आसुराम बावरी है, जिसके खेत पर अजवाइन और रायडा की फसल के बीच में अफीम के पौधे उगा रखे हैं, जिसमें फल आ रखे हैं। मुखबिर सूचना सही होने पर मैं जाप्ता के पहुंचा, वहां पर पहुंचे कार्य और ये व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कितने को पौधे सर? कुल मिला के ये 6,585 पौधे थे, इनमें फल लगे हुए थे।